तो गाइज़ आज मैं वीडियो में आप लोगों को चार प्लेयर टेम्पलेट फ्री में देने वाला हूँ इस टेम्पलेट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कैसे प्लेयर में यूज़ कर सकते हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि दोस्तों ये जो फाइल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो ये जो फाइल है इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते और ये जो पासवर्ड है ये आपको नहीं मिलने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा देखिए तो गाइज़ सबसे पहले इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए देखिए आपका फ़ोन पे जाना होगा आपका जो फोन पे इसर गूगल नाम का एक फोल्डर जरूर होगा सभी फोन पे रहता है आपका फोन पे भी जरूर होगा इस फोल्डर को ओपन कीजिए ओपन करने के बाद गूगल नाम का एक एप्लीकेशन जरूर होगा उस फोल्डर के अंदर तो इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा ओपन करने के बाद इधर सर्च बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना होगा जो प्रोसेस मैं आप लोग को बता रहा हूँ यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं इधर आपको एक वेबसाइट का नाम सर्च करना होगा टेक्नो टेक्नोनिस स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ आप स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए ठीक से ये लिख के आपको सिंपल सा सर्च कर देना है जैसे आप सर्च करेंगे देखिए इधर फास्ट में एक वेबसाइट आ जाएगा टेक्नोलॉज डॉट कॉम तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह उसके बाद देखिए राइट साइड में एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस तरह इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इधर आपको एक टेक्स्ट सर्च करना होगा ए पी तीन सौ इकहत्तर ये लिख के आपको सिंपल सा सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए इधर फास्ट में आ जाएगा टॉप फोर एवीप्ल टेम्पलेट ओके तीन सौ इकहत्तर इधर लिखा रहेगा कुछ इस तरह तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे ये जो पोस्ट है आपके सामने खुलकर आ जाएगा कुछ इस तरह ओके उसके बाद देखिए इधर आपको नीचे की तरह आना होगा नीचे की तरह आना है नीचे आने के बाद देखिए इधर टाइम काउंट होगा देखिए इधर टाइम काउंट हो रहा है टाइम काउंट जब जीरो जाएगा इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा गूगल ड्राइव और मीडिया फायर आपका जो पसंद है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इधर मीडिया फायर पर क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद देखिए इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा तो इधर जैसे ही मैं क्लिक किया ये जो फाइल है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ डाउनलोड जब हो जाएगा उसके बाद आपको एक और एक एप्लीकेशन का जरूरत होगी जिसका नाम है ई एस फाइल एक्सप्लेयर इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कीजिए ओपन करने के बाद इधर इंटरनल स्टोरेज या तो फिर अगर आपका मेमोरी कार्ड है तो इधर मेमोरी कार्ड का स्टोरेज ऑप्शन आ जाएगा जिस स्टोरेज में डाउनलोड हुआ है उस स्टोरेज को ओपन कीजिए उसके बाद जिस फोल्डर पर डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को ओपन कीजिए ओपन होने के बाद देखिए इधर आ गया है मेरा फाइल तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक जैसे करेंगे देखिए इधर फाइल आ जाएगा तो कोई एक का ऊपर आपको टच करके रखना होगा उसके बाद ऊपर में सिलेक्ट ऑल कर दीजिए उसके बाद नीचे कॉपी ऑप्शन है कॉपी पे क्लिक कीजिए कॉपी जैसे ही आप करेंगे देखिए इधर पासवर्ड मांगा जाएगा तो इधर मैं पासवर्ड दे दे रहा हूँ पासवर्ड आपको वीडियो का एंड पे मिल जाएगा पासवर्ड देने के बाद ओके okay का ऊपर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद देखिए इधर छोटा सा एक होम का आइकॉन मिल जाएगा इस पर क्लिक कीजिए उसके बाद फिर से जिस स्टोरेज में रखना चाहते हैं उस स्टोरेज को ओपन कीजिए उसके बाद जिस फोल्डर पर रखना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन कीजिए ओपन करने के बाद इधर नीचे पेस्ट कर दीजिए जैसे आप पेस्ट करेंगे ये जो फाइल है इधर इस फोल्डर पर पेस्ट हो जाएगा तो इधर मैं इसको पेस्ट होने देता हूँ पेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद ए वी पिलर को ओपन कीजिए एप्लीकेशन जो है उस टेम्पलेट को ऐड करने के लिए नीचे नोट फॉर्म फाइल पे क्लिक कीजिए उसके बाद जिस फोल्डर पे जिस फोल्डर पे डाउनलोड होगा उस फोल्डर को ओपन करके टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए तो मैं इधर एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्या करना है वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इस टेम्पलेट पर सब कुछ तैयार रहेगा बस आपको इमेज सिलेक्ट करना होगा और आपका जो चैनल का नाम है वो ऐड करना है इमेज सिलेक्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले जहाँ जहाँ लिखा रहेगा योर इमेज उस पर क्लिक कीजिए उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक कीजिए उसके बाद कास्टिंग इमेज पर क्लिक कीजिए उसके बाद पिक इमेज पे क्लिक करके आप इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए जिस इमेज पे वीडियो बनाना चाहते हैं और जहां लिखा रहेगा टेक्स्ट पे चैनल नेम छोटा करके तो इस टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा राइट right, साइड में एविडेंस पे क्लिक कीजिए उसके बाद फिर से मेरा चैनल का नाम के ऊपर क्लिक करके आप अपने चैनल का नाम या तो फिर अपना नाम दे दीजिए इसी तरह आप जो फाइल है इसको डाउनलोड करके एवी प्लेयर में ऐड कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है इसी तरह और स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए और इसी तरह और फ्री में टेम्पलेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए आज के लिए बेस इतना ही तब तक के लिए जय हिंद